Hey guys, I hope you're all doing well and welcome back to another useful video on my channel. My name is Anupriti Lamania. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गो एड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर एवरी न्यू वीडियो अपडेट. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ गो एड एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ माई फुल वेट गेन जर्नी. ये वीडियो पिछले कुछ वीक्स में आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, सो हियर आई एम विद दिस वीडियो. सो गाइस, पहले जो मेरा वेट था वो 43 kg था, जो कि बहुत ही कम था मेरी हाइट के हिसाब से. सो मैंने जो वेट गेन किया है वो 12 kg किया है और करेंटली मेरा जो वेट है वो 55 kg है. तो अभी जो मेरा वेट है वो वेल मेंटेन्ड है. और आप लोग भी कैसे एक हेल्दी तरीके से वेट गेन कर सकते हैं उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और हैक्स भी शेयर करूँगी. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. मेरी जो सबसे पहली टिप है वो ये है आप लोगों के लिए कि टेक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स रिच डाइट. जब मैंने वेट गेन करना स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं एक हेल्दी वे में वेट गेन करूँगी. सो मैंने ऐसे फूड्स लेने शुरू करे जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो. सो गाइस, ये हैं कुछ कार्ब्स और प्रोटीन रिच फूड जैसे कि स्पिनच, स्वीट पोटैटोस, पनीर, पोटैटोस एंड राइस. अगली टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि स्टॉप अवॉइडिंग ऑल फैट्स एंड स्टार्ट टेकिंग दोज मील्स दैट आर हायर इन ओमेगा 3 फैट्स. सो गाइस, बनाना एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फ्रूट होता है. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम है जो कि आपके इम्यून सिस्टम और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. और गाइस, बनाना में हेल्दी कार्ब्स भी होते हैं जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है वेट गेन करने का, क्योंकि बनाना में हेल्दी कार्ब्स और कैलोरीज होती है. अगर आप इसको अदर हाई कैलोरी फूड्स के साथ कंबाइन करते हैं जैसे कि आलमंड या मिल्क, इससे आपकी बॉडी में जो कैलोरी इनटेक है वो इनक्रीज़ होगा, जिससे आपका जो बॉडी मास है वो भी इनक्रीज़ होगा. एंड गाइस, मैं बनाना और मिल्क का ये जो ब्लेंड है उसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पर लेती हूँ. अगर ये मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर नहीं लेती तो मोस्टली मैं इवनिंग में खाती हूँ. Another best way to gain weight is to consume dark chocolates in moderation, guys. And guys, dark chocolates में calories और fat बहुत ज़्यादा होता है, but it also contains beneficial nutrients जैसे कि antioxidants और fiber, जो कि आपके health के लिए बहुत ही अच्छे हैं. And guys, dark chocolates में calories बहुत ज़्यादा होती हैं, which is very helpful to gain weight easily. And here are some other health benefits of consuming dark chocolate. Like it reduces heart disease, fights the aging process, lowers blood pressure and has antioxidants. अगली जो टिप है वो मेरी ये है गाइस कि add calories to the food you make. उसके लिए आप लोग चीज यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को सैंडविच बहुत पसंद है. सो गाइस, यहाँ पे मैं एक बहुत ही ईजी वेज सैंडविच बनाने वाली हूँ विच इज़ हाई इन कैलोरी एंड फाइबर. सो गाइस, जब मैं वेट गेन कर रही थी तो आई यूज टू ईट दिस सैंडविच एवरी डे. इस हेल्दी सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खीरा लिया है, कुछ टमाटर लिए हैं और होल ग्रेन ब्रेड लिया है. एंड गाइस, होल ग्रेन ब्रेड में कार्ब्स और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है वेट गेन करने का. एंड गाइस, चीज़ में कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, सोडियम और कैल्शियम होता है जो कि वेट गेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है. सो गाइज, ये रहा मेरा रिच इन कार्ब्स, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट सैंडविच. और इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग इसे डेली खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे. मैं मोस्टली इस सैंडविच को अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे या शाम को लेना पसंद करती हूँ. आप लोग चाहे तो इसमें बॉयल्ड पोटैटोज या पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अपना सैंडविच ऐसा सिंपल ही अच्छा लगता है और ये टेस्टी भी बहुत होता है. सो गाइज, ये एक बहुत ही सिंपल सी डिश है लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है टू गेन वेट वेरी इजली. Next tip for you guys is to include those dry fruits and nuts that are high in calories. जैसे कि बादाम, काजू, अंजीर, अखरोट and peanuts. ये जो dry fruits और nuts हैं, इनमें जो calorie होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा useful होगा weight gain करने के लिए. सो गाइज, मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं कैशू, बादाम, अंजीर, अखरोट. मैं इसे डेली कंज्यूम करती हूँ और मोस्टली मैं इसे इवनिंग टाइम में कंज्यूम करती हूँ. एंड गाइस, नट्स जो होते हैं दे आर हाई इन फैट एंड कैलोरीज. इनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन भी होता है. सो गाइस, ये सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स एक बहुत ही हेल्दी वे है वेट गेन करने के लिए, प्लस इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. माय नेक्स्ट टिप इज दैट इंक्रीज योर नंबर ऑफ मील्स इन अ डे. आप लोग 3 से 4 बार पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं.
एंड आप लोग डेली राइस के साथ दही भी ले सकते हैं। दही प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसके अलावा दही में हेल्दी फैट, कार्ब्स, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। एंड गाइस, कर्ड राइस में कार्ब्स होते हैं। राइस एक की इंग्रेडिएंट है इस पूरी डिश में, विच हेल्प्स इन गेनिंग वेट। सो गाइस, मैं कर्ड राइस लेना लंच में पसंद करती हूँ। डिनर टाइम पे मैं राइस नहीं खाती हूँ बिकॉज वो बहुत हैवी होता है। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक बैलेंस्ड वे से वेट गेन करने का। एंड गाइस, राइस ऑल्सो हेल्प टू कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट मैनेजमेंट इफ़ ईटन एज अ पार्ट ऑफ अ वेल बैलेंस्ड डाइट। आप लोग राइस के साथ और भी हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड्स ले सकते हैं। नाउ गाइस, बात करते हैं एक्सरसाइज की। सो मैं कुछ मसल बिल्ड एक्सरसाइज करती थी जब मैंने वेट गेन किया था उस टाइम पे, और मैं प्राणायाम और योगासन भी करती थी जिससे जो मेरा वेट है वो एक तरीके से अच्छे से बैलेंस्ड रहे। सो गाइस, द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू ऑल आर क्रंचेस। जब आप लोग वर्कआउट करते हैं आपका मेन गोल होना चाहिए अपने मसल्स को स्ट्रांग करना। सो क्रंचेस आर अ गुड वे ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर कोर एज वेल एज गेनिंग वेट। अगली जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपकी लोअर बॉडी मसल को स्ट्रेंथन करता है व्हेन यू कंबाइन इट प्रॉपरली विथ राइट ईटिंग हैबिट्स। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेनिंग वेट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल मसल मास। अगली जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंक्स। प्लैंक्स आपके कोर, शोल्डर्स, आर्म्स और बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। अगले जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो है योगासन। सबसे पहला है सर्वांगासन। सर्वांगासन वेट गेन तो नहीं करता है बट इट हेल्प्स टू मेंटेन योर वेट। अगला जो आसन है वो है भुजंगासन। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो गाइस, आई डू एवरी आसन डेली 5 times। अगला जो आसन है वो है धनुरासन। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है आपके वेट को वेल मेंटेन रखने के लिए। सो गाइस, दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेज व्हिच आई यूज्ड टू डू टू गेन माय वेट इन अ हेल्दी वे। माय नेक्स्ट टिप इज दैट ड्रिंक मिल्क एंड अदर हाई कैलोरी बेवरेजेस लाइक शेक्स एंड स्मूदीज। मेरी अगली जो टिप है वो ये है गाइस कि आप लोग ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें कैलोरी और फाइबर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, ब्लूबेरीज और मैंगोज। एंड गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हैं तो जंक फूड को टोटल अवॉइड कीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम। आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो डेली एक सा ही होना चाहिए। आप लोग सेम ही टाइम पे सोने जाए और सेम ही टाइम पे उठें। इससे जो होगा आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप लोग वेट गेन करने के पहले अगर चाहें तो किसी एक अच्छे डाइटिशियन से भी सलाह ले सकते हैं। सो गाइस, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो में मैंने जो भी सब आपको बताया वो सब कुछ आप फॉलो करें। इसमें से जो भी आपको बहुत ईजिली लगता है कि आप फॉलो कर सकते हैं बस वही पिकअप करें और फॉलो करें। सो गाइस, ये तो थी मेरी पूरी वेट गेन जर्नी। एंड इस वीडियो में आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, आप लोग किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट आप लोग मेरे वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा और हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। एंड गाइस, मैं बीच बीच में बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम एज वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।